प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को 9वें दिन भी जारी रही। न्यायिक कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण विगत 8 दिनों से न्यायालय का कामकाज ठप्प चल रहा है। गुरुवार सुबह न्यायालय परिसर पहुंचे हड़ताली न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारी कर्मचारी मृत कर्मचारी सुभाष मेहरा मौत प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने, मौत की सीबीआई जांच करवाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके पश्चात हड़ताली कर्मचारियों ने न्यायेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार तथा उच्च अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान न्यायिक कर्मचारी सुरेश बालोटिया, विजय अरोड़ा, रणजीत मीणा, दीपक भेजवार, कमल जोशी, नारायण सिंह, मदन लाल चौधरी, शेयराम, किशन गोपाल शर्मा, मोहम्मद असलम, संतोष सिंह, अभिलाष मीणा, हरगोविंद, दीपक टेलर, त्रिलोक सिंह, राकेश नरेनिया, सुमन जोशी तथा रेणु कोठारी आदि शामिल रहे। साथी कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए जो सामूहिक अवकाश चल रहा है उसका आज 9वां दिन है। आज तक हमारे उच्च अधिकारी है उन्होंने न्याय के लिए कोई हमारी सुनवाई नहीं की है, इसलिए आज न्यायेश्वर महादेव मंदिर में हम लोगों ने उनको सद्बुद्धि देने के लिए और हमारे को न्याय देने के लिए आज अनुष्ठान किया है। और ये जब तक न्याय नहीं मिलता है यह नवरत्न जारी रहेगा।